हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। इस वीडियो को बनाने का खास मकसद बस इतना सा है, जवान और शाहरुख खान जो इस वक्त हर तरफ धूम मचाए हुए हैं, बवाल काट रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा रिव्यू सेशन किया जाए और जाना जाए कि लोगों की क्या राय है जवान के ट्रेलर को लेकर। तो आस्था, क्या आपने जवान का ट्रेलर देखा है? जी बिल्कुल देखा है। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, एकदम ब्लॉकबस्टर हिट। अच्छा, क्या आप अपने पैसे खर्च करेंगे जवान को देखने के लिए? बिल्कुल करेंगे। उसमें हमेशा हमने शाहरुख खान को लवर बॉय रोमांटिक रोल्स में देखा है और इसमें वो एक्शन रोल में है, तो बहुत दिलचस्प है वो, एकदम इंटरेस्टिंग। क्या आपको शाहरुख खान जवान का ट्रेलर देखा, उसमें कौन सा ऐसा क्लिप था, क्या ऐसा रोल था जो शाहरुख का आपको बेहद पसंद आया? एक तो उनका जो वो पट्टी बांधा हुआ जो एकदम लुक था, मम्मी लुक, हाँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और एक उनकी लाइन, एक डायलॉग था उसमें देशभक्ति से जुड़ा हुआ जी, वो भी मुझे एकदम हार्ट टचिंग लगा, दिल को छूने वाला एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मानना पड़ेगा भाई, शाहरुख खान अपने वादे के बड़े पक्के हैं। उन्होंने एक अवार्ड शो में, जो कि बहुत साल पहले हुआ था, उसमें उन्होंने नयनतारा से वादा किया था कि वो अपने साथ उनको मौका देंगे, अपने साथ लीड एक्ट्रेस में उनको मौका देंगे आने वाली मूवीज़ को लेकर के, जो कि शाहरुख खान ने बखूबी बहुत अच्छे से अपने वादे को पूरा किया है। तो एक फ़ैन बेस ये भी हो गया साउथ का, हालांकि ये बॉलीवुड मूवी है, शाहरुख खान के तो फ़ैन वर्ल्ड वाइड में हर तरफ फेमस है, बॉलीवुड में अलग ही है। दुबई में तो खैर पूछना ही नहीं है कि भाई उनके फ़ैन्स का लेवल मीटर ही समझ जाइए टूट जाएगा, इतने फ़ैन फॉलोइंग्स हैं उनके। तो चलिए जानते, बताइए सलोनी जी, क्या आपने जवान का ट्रेलर देखा है? पहले तो ये बताइए, देखा है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मज़ा आया ट्रेलर। क्या आपने पैसे खर्च करेंगे अब जवान का? हाँ बिल्कुल। और रही बात मूवी की, तो जवान 3 लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, तेलुगु, तमिल और हिंदी। और इसके साथ ही ना, इस ट्रेलर में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इस बार टॉलीवुड या साउथ की मूवीज़ कहे तो उसमें वो मसाला डाला गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जवान के जो डायरेक्टर हैं वो साउथ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाँ। जी हाँ, एटली उन्होंने इससे पहले जो साउथ की मूवीज़ की हैं वो 1 महीने में 500 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ हाँ। चुकी है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जवान और प्लस टॉलीवुड का, शाहरुख खान और एटली का कॉम्बिनेशन मतलब बवाल होने वाला हाँ, है। बिल्कुल। एक तो वैसे ही लीड रोल में नयनतारा जैसी एक्ट्रेस हैं, ऊपर से दीपिका पादुकोण है, भाई कमाल होने वाला है, मान लिया जाए। हाँ। एक चीज और इसमें देखने लायक है कि दीपिका पादुकोण कैमियो रोल में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब शाहरुख खान भी ना दीपिका को करण जौहर की तरह लेने लगे, जैसे करण जौहर पुरानी मूवीज में काजोल, रानी मुखर्जी को लेते थे, ठीक उसी तरह अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लकी चार्म है दीपिका, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, तो शायद चेन्नई एक्सप्रेस के बाद भाई दूसरे, चेन्नई एक्सप्रेस हो गया, पठान हो गया, अब जवान आ रहा है, इसमें भी बवाल भी होने वाला है। पठान में तो उन्होंने भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मीटर ही तोड़ दिया, तो इस बार जवान में तो पूछना ही नहीं है कि क्या होने वाला है। चलिए हम जानते हैं अपनी सबसे सीनियर एंकर से, भाई उनको तो उनसे आपको रूबरू कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, तो उनसे जानते हैं कि जवान के ट्रेलर को उनकी क्या राय है इस मूवी को लेकर के। तो मैम बताइए, क्या लगता है इस बार शाहरुख खान अपने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे? ऑलरेडी एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है सुश्री ट्रेलर का। पठान जो हमने मूवी देखी थी कंट्रोवर्शियल रही, उसका फ़ायदा भी मिला, लेकिन बॉलीवुड को एक फ़ैन बेस के साथ साथ एक अपग्रेडेशन भी मिली, क्योंकि जिस तरह से चल रहा था 2020 के बाद से ही बॉलीवुड को सब, सुशांत सिंह राजपूत जो केस हुआ उसके बाद सब बॉलीवुड को नापसंद कर रहे थे, बॉयकॉट, लेकिन जो पठान आई 2023 में इसने झंडे गाड़ दिए। और जवान सृष्टि, इस वर्ड पर पूरी मूवी डिस्क्राइब हो जाती है, जवान भाई जोश भर देता है, सबके अंदर जोश भर देता है। तो ये बेसिकली इससे पता चल रहा है सृष्टि कि हाँ मूवी जो है वो देशभक्ति पे पूरी तरह आधारित है, कुछ डायलॉग्स है वो भी दिखा रहे हैं। लास्ट में जब आप देखेंगे ट्रेलर, वो एकदम हर्ट टचिंग है, उसमें लगता है कि हाँ देशभक्ति की भावना है, और बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया है। एक सवाल और है मेरा छोटा सा, ट्रेलर में आपने देखा होगा शाहरुख खान के 2 रोल हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें ना ये जरूर कहा जा सकता है कि जो इसमें विलन दिखाया गया है विजय सेतुपति, ऑब्वियसली वो विलन के लिए फेमस है, बहुत सारे साउथ मूवीज़ में हमने देखा भी है, तो वो जो उससे जब वो कंपैरिजन जाएगा शाहरुख खान का, मतलब उससे लड़ने के लिए आपको विलन बनना पड़ेगा, बाय हार्ट वो विलन नहीं है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए वो विलन बन रहा है, बेसिकली एक पॉजिटिव ही एटीट्यूड इसमें दिखाया गया है शाहरुख खान का। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, इसलिए ये
मुझे तो बहुत अच्छा लगा जवान का ट्रेलर, मुझे पठान से ज़्यादा अच्छा लगा अगर पर्सनली मैं अपना रिव्यू दूँ तो, क्योंकि पठान में ठीक है बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ, बिकनी पे बवाल हुआ, दीपिका पादुकोण पे बवाल हुआ, लेकिन जब आप थिएटर्स में गए वो पहले से ही इतना क्रेज़ बन गया था कि मूवी ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन जब बहुत लोगों के रिव्यू ऐसे भी आए थे जिन्होंने मूवी उतना खास नहीं लगी, हाँ गए थे वो फर्स्ट तो देखने गए थे लेकिन दोबारा कोई ऐसा नहीं रहा। ऐसा मानना था कि पठान में भाई जो क्रिटिक्स थी, जो कंट्रोवर्सीज थे, हाँ, उसने ज़्यादा हाथ दे दिया। ये पॉइंट है सृष्टि, ये बिल्कुल सही है कि हाँ उसकी वजह से पठान इतनी आगे गई, लेकिन अब हमें समझना ये कि सनी पाचू तो धमाल मचा रहे हैं, 500 करोड़ के क्लब में मूवी शामिल हो गई है गदर 2, 15 है कि अब नंबर 1 पे आ जाएगा गदर। बिल्कुल हो सकता है कि क्योंकि गदर की आंधी में हमने देखा कि आयुष्मान खुराना कितनी अच्छी मूवी ड्रीम गर्ल 2 वो पीछे रह गई, तो अब ये सवाल है कि जो जवान आ रहे हैं यानी कि शाहरुख खान, वो कितना ज़्यादा क्या सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ के आगे, क्या वो सो क्यूट जो इमेज हमेशा से रही है शाहरुख खान की, जो वो विलन लुक तो बहुत ही तगड़ा है, पोस्टर से ही पता चल गया था, लेकिन अब आ जाते हैं मूवी के डायरेक्शन पे। डायरेक्टर एटली है, बहुत अच्छी मूवीज, उनका तो कुछ ऐसी मूवी साउथ में कि वो 500 करोड़ रुपए पार कर रही है, लेकिन सवाल सृष्टि ये भी आ जाता है कि क्या बॉलीवुड अब टॉलीवुड के सहारे चल रहा है, क्योंकि हाँ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब बॉलीवुड की फिल्में तभी चल रही हैं जब उसमें टॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस या डायरेक्टर उसमें आ जा रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया नयनतारा का, नयनतारा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है साउथ में, और नयनतारा को फिल्म में कास्ट करना, और जो उनका रोल है ऑफिसर का, एक सोल्जर का रोल है, बहुत प्यारा रोल है, दीपिका, दीपिका की एक्टिंग बहुत अच्छी है नो डाउट, और फाइटिंग सीन्स भी बहुत अच्छे होते हैं उनके, और इसमें कैमियो रोल है, पठान में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पठान में बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। लेकिन सृष्टि मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि आपने जब जवान का ट्रेलर देखा तो फिर आपको कैसा लगा कि ये पठान को वाकई टक्कर देगा, कितना डिफरेंस था दोनों में? देखिए बड़ा खतरनाक सवाल आपने किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे बेहद पसंद आया शाहरुख खान की जो एक्टिंग थी, तो वो तो मतलब लाजवाब थी, वो हमेशा से ही रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पठान का क्रेज जो था वो कंट्रोवर्सी की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जवान में एक्चुअल वो VFX दिखाए गए हैं, एक्चुअल उसकी एक्टिंग को दिखाई गई है, और जवान भाई देशभक्ति को लेकर के पूरा मेरे को लग रहा है ओवरऑल ये फिल्म होने वाला है, तो इस चीज़ को भी लेकर के, और म्यूज़िक खास तौर पे भाई बवाल मचने वाला है म्यूज़िक को लेकर के। म्यूज़िक पे भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि दर्शक इस बारे में जान लें, क्योंकि सृष्टि भी लगातार पूछे म्यूज़िक का, सृष्टि कह रही है कि बहुत अच्छा म्यूज़िक, नो डाउट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको साउथ टच दे रहा है बिल्कुल, लेकिन सॉन्ग से लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो रमैया वस्तावैया हो, चाहे वो चलिएगा हो, दोनों ही मूवी दोनों ही सॉन्ग सॉरी ऐसे हैं कि अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए लोगों से। हालांकि आवाज़ देखिए शिल्पा राव बेशरम रंग आया तो रातों रात शिल्पा राव एकदम फिर से कमबैक कर गई, लेकिन यहाँ अरिजीत सिंह भी है लेकिन वो कमी रह गई है दिल को छू लेने वाली, बट ठीक है अभी। खैर अभी हमने ट्रेलर ही देखा है, क्या पता मूवी में तो कुछ अलग ही बवाल हो जाए, नो वन नोज। नहीं तो भाई आपने देखा कि सबके रिव्यूज़ कैसे थे, सब ने बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं इस बार, माना जा रहा है कि भाई शाहरुख खान तो अपना रिकॉर्ड ऐसा तोड़ने वाले हैं कि क्या ही बताऊं। गदर 2 को भी माना जा रहा था कि नंबर 1 पर आ जाएगा, खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मूवी के आने में अभी समय है, लेकिन माना जा रहा है कि शाहरुख अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ सकते हैं और कोई तो उनका टक्कर ले नहीं सकता। खैर देखते हैं मूवी रिलीज़ होती है क्या क्या कुछ गुल खिलाती है, क्या कुछ धमाल करते हैं शाहरुख खान, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, धन्यवाद।